दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एविल एलियन मूवी को जो सन 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने तीन भाइयों से छुपकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है, पर उसे डर था कि उसके भाई उसे देख न लें और इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है और उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ अजीब सी हरकतें करने लगता है और तभी वो देखता है कि एक एलियन उसके पास आ रहा होता है और उसे ले जाता है और यहाँ से शुरू होती है मूवी की असली कहानी। अब हम मिशेल फॉक्स और हैवर को देखते हैं जो अपने शो की टीआरटी बढ़ाने के लिए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी मिशेल हैवर को एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें एलियन द्वारा एक लड़की को किडनैप करने की न्यूज छपी होती है और मिशेल हैवर से कहती है कि हमें इस कहानी पर शूट करना चाहिए और इस बात पर हैवर उसे अपनी टीम के साथ शूट पर जाने को कहता है। अब मिशेल रॉक और रिकी के साथ मिस्टर गैविन से मिलने जाती है जो सालों से एलियंस पर रिसर्च कर रहा था। मिशेल उसे अपने साथ शो की शूटिंग करने के लिए कहती है और वो भी उनके शो को काफी पसंद करता है, इसलिए वो शूट के लिए हाँ कर देता है और मिशेल और उसकी टीम एक आइलैंड पर शूट करने के लिए निकल जाते हैं और उस आइलैंड पर वर्षा हो रही होती है, इसलिए वो रुकने के लिए उस लड़की के घर जाते हैं जिसके बॉयफ्रेंड को एलियन उठाकर ले गए थे और वो घर काफी डेंजरस लग रहा होता है जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं। अब सब लोग घर के अंदर होते हैं और वो अपने कैमरे में कुछ चीजों को कैप्चर करने लगते हैं। तभी लड़की के तीनों भाई वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ शूट करने की परमिशन किसने दी है और उन पर गोली चलाने लगते हैं और तभी वहाँ उन तीनों की बहन आ जाती है। ये देख वो तीनों शांत हो जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। रात को मिस्टर गैविन एलियंस पर रिसर्च कर रहा होता है और हम देखते हैं कि मिशेल की आंखों पर तेज रोशनी पड़ रही होती है जिसे देखकर वह वहां जाने लगती है और वह मिस्टर गैविन को बताती है कि मैंने सच में एक यूएफओ देखा है और उसे देखने के लिए वो एक आइलैंड की ओर जाने लगते हैं और यहां वो एक जख्मी क्रो को देखते हैं जिसे एक व्यक्ति शूट कर देता है और ये देख वो सब डर जाते हैं और घर जाने लगते हैं। सुबह गैविन घर के बाहर एक बड़े से सर्कल को देखता है और सोचने लगता है कि शायद यहां कोई यूएफओ लैंड हुआ है और खुश होने लगता है और फिर मिशेल और उसके साथी भी बाहर आ जाते हैं जिससे गैविन ये समझ जाता है कि ये सर्कल उन्हीं ने बनाया और वो काफी गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि मेरा सपना है कि मैं दुनिया को एलियन होने का सबूत दिखा सकूं। अगले दिन वो लोग शूट करने के लिए उसी जगह पर जाते हैं और शूट एक्ट के लिए वह उसी आइलैंड वाली लड़की को चुनते हैं। मिशेल उससे पूछती है कि तुम हमें बताओ कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ और फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा एक एलियन का है। उसकी इस बात पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि आसमान से एक यूएफओ तीन स्टोन पर लैंड होता है और अब शूट के बाद मिशेल की टीम भी वहां से जाने लगती है। तभी उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है और वो नीचे उतरकर गाड़ी को चेक करने लगते हैं और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो परेशान होकर आपस में बातें करने लगते हैं और तभी उन्हें कुछ जानवर की आवाज सुनाई देती है। मिशेल और उसके दो साथी उस नजारे को शूट करने वहां जाते हैं और उन्हें वहां भैंसों के कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं और जब रिकी अपने कैमरे से आसपास जूम करके देखता है तो उसे कुछ एलियंस दिखाई देते हैं जो उन भैंसों के बॉडी पार्ट्स को निकाल रहे होते हैं। ये देख वो तीनों गाड़ी की ओर भागने लगते हैं और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग जाते हैं और अब वो ये वीडियो आइलैंड वाली लड़की के तीनों भाइयों को दिखाते हैं। ये देख वो अपने अपने हथियार लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। उसी तरफ मिशेल रिकी से कहती है कि हमें यूएफओ का असली शूट करना चाहिए जिसे टेलीकास्ट करके हम ढेर सारे पैसे कमा सकें और वो अब यूएफओ को ढूंढने निकल जाते हैं और फाइनली यूएफओ को ढूंढ कर उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ वो कुछ बॉडी पार्ट्स को देखते हैं और शूट करने लगते हैं और तभी उन्हें वहाँ एक क्रिएचर दिखाई देता है जो रिकी पर हमला कर देता है और मिशेल उसे मारकर रिकी की जान बचा लेती है और अब वो दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों भाई एलियंस से फाइट करते हैं और उनमें से कुछ एलियंस को मार देते हैं और उन्हें जलाने लगते हैं। इतने में ही एक औरत की आवाज़ आती है और उनमें से एक भाई उसकी बात सुनने के लिए जाने लगता है और उस पर हमला हो जाता है। ये देख दूसरा भाई गुस्से में आकर उसे मारने के लिए जाता है पर वो एक एलियन होता है और वो उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ मिशेल अपने साथियों को उस यूएफओ के बारे में बताती है और वो सब उसे देखने के लिए जाते हैं और अब वो एक एलियन देखते हैं जो कि बंधा हुआ होता है पर वो उसे कैप्चर करने लगते हैं। फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ जाने लगते हैं। अब गैविन अकेला होता है और वो एलियन को करीब से जाकर देखने लगता है। अब सब लोग उसी जगह पहुँच जाते हैं
जहां एलियन ने उन दोनों भाई को मारा होता है और वो ये समझ जाते हैं कि उन दोनों भाइयों को एलियन ने मारा है और ये सब अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार उठा लेते हैं और अब एलियन उन पर हमला करने लगते हैं और उन सब में फाइट होने लगती है और यहाँ उनका एक साथी एलियन द्वारा मारा जाता है और अब गैविन और उसके साथी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। लेकिन एलियन गैविन को गाड़ी से बाहर खींच लेता है और तभी वो लड़की एलियन को शूट कर देती है। अब हम एक यूएफओ को देखते हैं जो कि उस आइलैंड पर लैंड होता है और उस यूएफओ से निकलकर कुछ नैनो डिवाइस उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और वो लोग धीरे धीरे उन सब डिवाइस को नष्ट कर देते हैं। और अब गैविन उस यूएफओ के अंदर जाता है जहाँ वो एक लेडी एलियन को देखता है और यहाँ वो आइलैंड वाली लड़की भी होती है। अब वो दोनों उस यूएफओ को चलाने की कोशिश करते हैं और अब धीरे धीरे एलियन सभी को मार देते हैं और मिस्टर गैविन उन्हें वापस भेजने की कोशिश करता है पर एलियन उसके बॉडी पार्ट्स उखाड़ देते हैं और मिस्टर गैविन कंप्यूटर को एक्टिवेट कर देता है जिससे सभी स्टोन आसमान में उड़कर उनके यूएफओ के पार हो जाते हैं। उनका स्पेसशिप क्रैश होकर ब्लास्ट हो जाता है और धीरे धीरे सब में तबाही शुरू हो जाती है और अंत में उनका एक साथी उस आइलैंड से जिंदा वापस आता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में कुछ एडल्ट सीन भी हैं जिन्हें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।